जनजातीय इलाके में लिव इन के इस रिश्ते को लोग ढूको के नाम से जानते हैं। ऐसी जोड़ियां एक छत के नीचे एक साथ बरसल बरस गुजारने के बाद भी अपने रिश्ते को शादी का नाम नहीं दे पाती। ऐसा एक गांव में जिनमें लिव इन में रह रहे थे 501 कपल, केंद्रीय मंत्री ने कर दिया कन्यादान। कौन सा है यह गाँव, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। झारखंड के जनजातीय बहुल इलाकों में बरसों से लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिश्तों के साथ रह रही 501 जोड़ियों का सामूहिक विवाह करवाया गया है। यह आयोजन राज्य के खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत चौला पत्रा गांव में हुआ। खास बात यह है कि इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और उनकी धर्मपत्नी मीरा मुंडा ने शिरकत की। जिन जोड़ियों की शादी रचाई गई, उनमें 20 से लेकर 70 साल तक की उम्र वाले स्त्री पुरुष थे। वहीं शादी करने वाले कई जोड़े माता पिता तक बन चुके हैं। जनजातीय इलाकों में लिव इन के इस रिश्ते को लोग ढूकू के नाम से जानते हैं। ऐसी जोड़ियां एक छत के नीचे एक साथ बरसों बरस गुजारने के बाद भी अपने रिश्ते को शादी का नाम नहीं दे पाती हैं। बता दें कि ढूकू परंपरा के पीछे की सबसे बड़ी वजह आर्थिक मजबूरी है। दरअसल आदिवासी समाज में यह अनिवार्य परंपरा है कि शादी के उपलक्ष में पूरे गांव के लिए भोज का इंतजाम किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस।